बार समझा देता हूँ। देखो खूब बढ़िया समझो, हाई बना लोगे बताओ समीकरण, एक बार समझा देते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, नो तीन बिंदु दिया है, -1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 3 है और 1 है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रा करेंगे। तो देखेंगे मान लो -1 0 के मान लो, 1 3 के बी मान लो, और 3 3 को सी मान लो। ठीक, तो मान लो कि यहीं पर हो गया एकदम निश्चित बात, ये जहाँ था यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, जो कलर किया गया इसका एरिया बताना है। तो इसको मिले, देखो एक ये लिखा गया तो एक पलिया का मिला दो, 3 लिखा गया तो 3 पलिया का मिला दो। तो एक ए बी है, एक बी सी, एक ए सी है। तो पहले ए बी के लिए समीकरण, तो ए बी के लिए देखोगे कि यहाँ पर ए का मान -1 0 और बी का मान 1 3 और x1 y1 x2 y2। सूत्र यही होता है y1 y1 उठा करके हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर रखा तो इतना हमारे पास निकल गया। हम इसको चाहें तो और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, y बराबर 3 से गुणा करके 3x/2 और +3/2, और यही समीकरण नंबर 1 मान करके हम लोग उसमें रख सकते हैं। उसके बाद से बी सी के लिए देखो, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। बी सी बी के लिए 1 3, सी के लिए 3 2। तब हमने यही सूत्र जो ये सूत्र देख रहे हैं, हम लगातार इसी सूत्र का प्रयोग किया, इसमें ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं इसका प्रयोग करके हल कर दिया यहाँ पर। और हमने रखा घटाया, चाहे तो आप इसको गुणा कर दीजिए, इसमें और भी गुणा कर सकते हैं। तो y बराबर -x/2 +7/2, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब उसके बाद हमने ए सी के लिए लिया, तो ए और सी के लिए लेंगे समीकरण। तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर, ए के लिए -1 0, सी के लिए 3 2, तो -1 0 3 2। और तब हमने यहाँ से इसी फार्मूला को फिर से हमने मान को भर दिया, हल किया तो इतना आया। चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, तो y बराबर गुणा कर ले x y 2 और +1/2 का गुणा कर ले 1/2, इतना आ गया समीकरण नंबर, इसको 3 मान दिया। आपका कि ये कि हमें इस चित्र से पता चल रहा है कि ए वाला एरिया तो घटाना पड़ेगा क्योंकि कलर नहीं किया गया, तो इसलिए ए वाला एरिया घटा दिया गया। तो ये वाला दोनों एरिया जोड़ेंगे, ए बी वाला बी सी वाला दोनों जोड़ेंगे। तो लिखा गया देखो अभीष्ट क्षेत्रफल में, यहाँ पर थोड़ा सा चाहो तो लिख सकते हैं तुम, अभीष्ट क्षेत्रफल में समाकलन -1 से 1 ए बी डी एक्स +1 से 3 बी सी डी एक्स और -1 से 3 ए सी डी एक्स। अब जो जो मान आया उसको हम लोगों ने भर दिया। देखो यहाँ पर ए बी के लिए जो मान आया, ए बी के लिए 3x/2 +3/2 हमने भर दिया डी एक्स, बी सी के लिए उसको भी भर दिया 1 से 3 तक, और ए सी के लिए भी जो आया है यहाँ पर जैसे आएगा तो यही आया है आपका x/2 +2, लेकिन तीसरा में घटा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, तो ये माइनस गुणा इसमें भी हो जाएगा इसमें, तो दोनों अलग अलग कर दिए। उसके बाद से इसका समाकलन अलग किए, इतना -1 1 से -1 इसका किए इतना आ गया, 1 से -1 फिर इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा, 3 3 और 1 जो ऊपर वाला है, फिर 7x/2 इतना लिखेंगे, फिर 1/2 का यहाँ पर लिख दिया 3 - 1 इतना। उसके बाद समान रखे, एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा 3/4 माइनस, एक बार -1 रखेंगे -1 का भी पर करेंगे तो 1 होगा 3/4 प्लस, एक बार 1 रखे तो 3 3 3/2 -1 रखेंगे तो माइनस सूत्र में होता है प्लस हो जाएगा 3/2 माइनस, ये वाला हिस्सा है 3 का वर्ग करेंगे 9/4, 1 का वर्ग करेंगे 1/4 प्लस कर दिए। उसके बाद से 3 रखेंगे यहाँ पर तो 7 1 21/2 लिख दिए हम, फिर 1 रखेंगे तो 7/2 हो जाएगा माइनस, 3 रखेंगे 3 का वर्ग 9/4 माइनस, 1 रखेंगे 1 का वर्ग 1/4 माइनस 3/2 प्लस। उसके बाद हम लोगों ने हल कर दिया, काट दिया सबको, ये 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में, 4 से 8 2 बार में, 2 से 14 7 बार में, 4 से 8 2 बार में, 2 से 4 2 बार में, तब हमने हल किया था। ये सवाल नोट कर ले इसको।